बीजेपी के लिए लकी चार्म साबित हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जहां धामी ने किया प्रचार, वहां बीजेपी ने लहराया जीत का परचम। स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम धामी ने सबको छोड़ा पीछे, स्ट्राइक रेट में रहे अव्वल। हरियाणा में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने हासिल कर ली है, लेकिन इस जीत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बड़ा योगदान रहा है। जी हां, जिन्होंने हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जिन सीटों पर प्रचार किया, उन सीटों पर बीजेपी अच्छे मार्जिन के साथ या तो लीड कर रही है या फिर जीत की ओर अग्रसर दिख रही है। कई सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के खाते में हरियाणा में आ चुकी हैं, जहां पर लगातार अब जीत डिक्लेयर हो रही है। तो ऐसे में यहां पर पुष्कर सिंह धामी का जिक्र करना भी जरूरी है, क्योंकि वो भी बीजेपी के स्टार प्रचारक की लिस्ट में थे, जो कि हरियाणा भी गए कई सीटों पर प्रचार करने के लिए, तो वहीं पर जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने जनता को साधने की कोशिश की। बात अगर हरियाणा की जाए तो कई सीटें हैं जहां पर पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार किया, जिसमें एक बड़ी सीट है लाडवा की सीट, यानी जहां से खुद सीएम नायब सिंह सैनी जो है वो चुनावी मैदान में थे और ये सीट उन्होंने जीत ली है। यानी नायब सिंह सैनी जो है वो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ विधायक भी बन चुके हैं। तो कुल मिलाकर पुष्कर सिंह धामी के चुनाव प्रचार का असर लाडवा सीट पर बखूबी तरीके से देखने को मिला है। नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनाती है। कांग्रेस ने हमेशा राम मंदिर का विरोध किया, उन्होंने कोर्ट में हलफनामा दिया भाइयों बहनों कि राम मंदिर किसी तरह से रुक जाए, राम सेतु को काल्पनिक बता दिया। और मोदी जी जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, उस प्राण प्रतिष्ठा में भी उन्होंने आना स्वीकार नहीं किया भाई बहनों, उनको बुलाया गया। आज का चुनाव के समय में कांग्रेस के लोग आपके पास आएंगे, बड़े बड़े वायदे करेंगे, लेकिन कांग्रेस के वादे भी कांग्रेसियों की तरह ही खोखले हैं, उनमें कोई दम नहीं है भाइयों बहनों, कोई जान नहीं है। ये लोग सेवा करने की नीयत से नहीं आ रहे हैं, ये लोगों की सेवा नहीं करना चाहते हैं, बल्कि सत्ता में आकर फिर से भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। कांग्रेस अगर सत्ता में धोखे से आ गई तो 10 साल पहले जो यहाँ भ्रष्टाचार होता था भाइयों बहनों, यहाँ का सरकारी खजाना खाली करके दिल्ली के शाही परिवार को पहुंचाना शुरू कर देगी। यानी कह सकते हैं कि पुष्कर सिंह धामी ने वहां पर एक अहम भूमिका कहीं ना कहीं बीजेपी की इस जीत में निभाई है, क्योंकि ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जहां पर जो है धामी ने प्रचार किया तो वो सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। अब वो सीटें कौन सी हैं मैं बता देती हूं कि हरियाणा में कुल 13 सीट ऐसी थी जहां पर पुष्कर सिंह धामी स्टार प्रचारक के तौर पर बीजेपी के लिए कैंपेन करने के लिए पहुंचे थे, जिसमें कालका सीट है, पंचकुला, रेवाड़ी, गुरुग्राम, सोना, साफिडोन, पुंडरी, बड़खल, कनाखरोल और रोहतक, इसके अलावा लाडवा, फरीदाबाद और वल्लभगढ़ में भी आखिरी दिनों में चुनाव प्रचार करने के लिए पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। और इन सीटों में अगर बात की जाए तो लगभग 12 सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट्स ने बढ़त बनाई है, जबकि एकमात्र रोहतक की सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी जो है वो पिछड़ गई है। ये बात तो हुई हरियाणा की, लेकिन इसी तरह जम्मू कश्मीर में जहां पर बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब नहीं रही, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन का दमखम देखने को मिला। लेकिन इसके बावजूद भी अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में एक अच्छा परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं कि बीजेपी का रहा है। जम्मू कश्मीर में पुष्कर सिंह धामी ने 4 सीटों पर चुनावी कैंपेन किया, जिसमें सांबा, बसोहली, अमरहा और बनी, ये 4 विधानसभा की सीटें जहां पर वो प्रचार करने के लिए पहुंचे। और इन सीटों में से 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है।
तो वहां पर अच्छा खासा मार्जिन जो है वो बीजेपी के वोट बैंक का रहा है। तो कुल मिलाकर सिर्फ एक सीट ऐसी बनी जहां पर बीजेपी का प्रत्याशी पीछे चल रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि पुष्कर सिंह धामी को अगर बीजेपी ने स्टार प्रचारक के तौर पर चुना तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और जिस तरीके का काम वो कर रहे हैं राज्य में, जिस तरीके से कहीं ना कहीं अब उनकी प्रसिद्धि बढ़ रही है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में या सालों में इस तरीके के फैसले पुष्कर सिंह धामी ने लिए हैं कि वो चर्चा में आए हैं, फिर चाहे वो समान नागरिक संहिता की बात हो, फिर चाहे वो सख्त नकल विरोधी कानून लाने की बात हो, फिर चाहे वो जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए जो कड़े प्रावधान कहीं ना कहीं उन्होंने लाए हैं वो अपने आप में चर्चा का विषय रहे हैं। और जिस तरीके से एक मजबूत कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के तौर पर बनकर उभर रहे हैं, तो ऐसे में हम कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि यहां पर पुष्कर सिंह धामी का योगदान भी हरियाणा में अगर बीजेपी जीत रही है तो उसमें काफी ज्यादा है। और ये बात तो लगातार पुष्कर सिंह धामी शुरुआत से भी कह रहे हैं, जब वो लगातार चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, जब वो हरियाणा में पहुंचे चुनाव प्रचार में वो डटे रहे तो उन्होंने वहां की जनता से यही कहा कि भ्रष्टाचारी, तानाशाह, महिला विरोधी और दलित विरोधी लोगों को कभी सत्ता में बीजेपी नहीं आने देगी, हरियाणा की जनता नहीं आने देगी। और कहीं ना कहीं उनकी इस बात पर मुहर लग चुकी है, क्योंकि ऐतिहासिक जीत हरियाणा में बीजेपी ये तय करने जा रही है, क्योंकि इससे पहले 10 साल बीजेपी की सरकार हरियाणा में रही और ये तीसरी बार जो है वो जन समर्थन बीजेपी को हरियाणा में कहीं ना कहीं मिला है। तो इसके मायने काफी ज्यादा हैं बीजेपी के लिए हरियाणा में। और दिलचस्प बात यह है कि चाहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो, फिर चाहे इससे पहले खट्टर हो, फिर चाहे वो बीजेपी आलाकमान हो, जिस तरीके का रणनीति हरियाणा के लिए उनकी रही, जिस तरीके से हुड्डा, जिस तरीके का आतंक कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रहे थे उनके समर्थक, उससे जवाब देने के लिए जो ये तमाम कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक थे ये चुनावी मैदान में उतरे, जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जाहिर तौर पर कई जो उत्तराखंड के लोग हैं वो हरियाणा में रहते हैं तो अपने लोगों को साधने की भरपूर कोशिश उनके जरिए की गई, तो ऐसे में इसका असर जो है वो जमीन पर देखने को मिला है। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी जो है स्टार प्रचारक नंबर वन हरियाणा में रहे हैं, क्योंकि जिन सीटों पर उन्होंने चुनावी कैंपेन किया है ज्यादातर सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जा रही है। और इसी के साथ बीजेपी जो है अभी जो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं वही जो सीटें हैं लगातार जो हम आपको बता रहे हैं कि 49 सीटों पर बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं जीत हासिल करती फिलहाल नजर आ रही है। हालांकि अभी भी कई राउंड की वोटिंग काउंटिंग जो है वो बाकी है, लेकिन ये आंकड़ा रह सकता है क्योंकि तस्वीर बिल्कुल साफ होती हुई फिलहाल हरियाणा में नजर आ रही है। और वहीं पर कांग्रेस पार्टी महज 35 सीटों के आसपास सिमट रही है, तो कहीं कहीं बीजेपी ने एक बड़ा दमखम मैदान में दिखाया है और उसका असर और कहीं ना कहीं यह साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से बीजेपी तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब होती नजर आ रही है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी का अहम योगदान है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।